आबकारी विभाग ने ब्रांडेड शराब की बोतलों के ढक्कन और बार कोड को अपनी फैक्ट्री में बनाकर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके संबंध में उप आबकारी आयुक्त आर के सिन्हा ने बताया कि गिरोह के सदस्य डिमांड के आधार पर इसे बाजारों में बेचते थे। यह काम पिछले कई सालों से बड़े स्तर पर कर रहे थे और गुरुवार लगभग 50 लाख रुपए के ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और बार कोड वाले स्टिकर बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर नकली शराब की बोतलें गोरखपुर मंडल में सप्लाई की जा रही हैं। इसको लेकर आबकारी विभाग ने टीम बनाकर जांच शुरू किया और इसी जांच के क्रम में गुरुवार को आबकारी विभाग को पता चला कि इस गिरोह का एक सदस्य नकली शराब की खेप दुकानों पर पहुंचाने जा रहा है। इस सूचना के आधार पर जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसके द्वारा जानकारी मिलने पर शराब के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां पर लगभग 50 लाख रुपए की कीमत के सामानों की बरामदगी की गई और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मंडल के उप आबकारी आयुक्त राजेश कुमार सिन्हा ने बताया। कुछ ना कुछ और ये ढक्कन देख रहे हैं, ये सब 1,000 का पीस है। ब्लू के बॉटल्स में वो कर देते हैं इस तरह के। सर इसमें ब्लेंडर का भी है और ये लोग ब्लेंडर भी है। निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। देखिए ब्लेंडर फ्राइड का भी ढक्कन है, ये डुप्लीकेट है। तारू और उसमें पानी उनी मिक्स करके ये सब ब्लेंडर फ्राइड में करके नया बोल के ग्राहकों को अपना सप्लाई कर देते हैं। कर रहा हूँ आज की बात, वैसे भी निरंतर चेक होते रहती है, लेकिन इसको देखते हुए एक नए सिरे से ये कैसे किया जा रहा है। ये बार कोड है, बार कोड बोलते हैं, क्यू आर कोड है। ये QR कोड ये बोतलों से क्या होता है, बोतलों का चस्पा होता है, जैसे बोतलों के ऊपर ये सुरक्षा होलोग्राम लगाया जाता है। अब इसके स्कैन करने पर इसमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है कि कहाँ से सप्लाई है, कहाँ क्या है। वैसे ओरिजिनल चीज़ भी अगर हमारे ऐप से आप देखेंगे तो उसमें ये आ जाएगा कि वो सप्लाई कहाँ की है, किस दुकान की है, कहाँ से निकासी है। आम आदमी को करनी होता, आम आदमी चाहे कि मैं देखूं, आदमी को करनी हो तो बिल्कुल आसान है। प्ले स्टोर से एक साइज का ऐप डाउनलोड कर ले और उस ऐप से उस बोतल जो भी खरीदारी कर रहा है उस बोतल पे स्कैन करके देखे तो वो काफ़ी डिटेल्स आ जाएगा। और डिटेल्स आने के बाद फिर उसको मालूम चल जाएगा कि इसकी एमआरपी कितनी है। ये शराब के उस पर रैपर लगता रहता है, बंटी बबली की वो है ब्रांड की, तो ये रैपर एक्चुअली निकाल के ये सब जब डाइल्यूट करते हैं तो इस हिसाब से वो रैपर करके नकली दारू बना लेते हैं। तो नकली दारू बना के फिर वो इधर उधर सप्लाई करते हैं। जैसा कि ये बता रहा है कि इसमें 1,000 है, अभी काउंट नहीं किया गया है लेकिन 1,000 वो बता रहा है। और इस ढक्कन को जो पाउच और कौवा वो हो जाते हैं, विदेशी मदिरा का है ये, देखिए विदेशी मदिरे की वो है, ये विदेशी मदिरे का वो है। रॉयल स्टैग ब्रांड का है, ये रॉयल 80 ग्राम का है, रॉयल स्टैग का डुप्लीकेट ब्रांड मतलब तैयार करते हैं। और आपका तो बोले सामान के साथ ले लीजिए ना, सब कर लेना गमछा से लेके उठा को। आज ऐसा है कि 2-3 दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा वो ढक्कन और रैपर और इस तरह के वो सप्लाई किए जा रहे हैं, जिस पर मुखबिर को लगाया गया और मुखबिर ने सूचना दी है कि आज ये एक आदमी यहाँ से लेके जाएगा, तो वो पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर बेतिया हाथा में वो दबिश दी गई, तो बेतिया हाथा में दबिश देने के बाद
वो रिकवरी हो गई, काफ़ी मात्रा में ढक्कन, रैपर, बार कोड आदि मिले, इनको भी अधिक कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेजा गया। कहाँ सप्लाई करते थे जी? कहाँ सप्लाई करते थे? अब ये ऑन डिमांड ये आता होगा, कहीं बना कर ये अपना देते होंगे किसी किसी के द्वारा। अब सुरक्षात्मक और सेफ्टी के दृष्टिकोण से दुकानों के भी चेक कराई जाएगी कि कहीं दुकानों का तो वो चीज़ नहीं है, तो फिलहाल इस पर कार्रवाई की जा रही है और टीम तैयार करके वो फॉर्मिंग कराई जाएगी दुकानों पर। ये अगर बन जाती या फिर पैक हो जाता तो लगभग करीब अप्रॉक्स ये 40-50 के आसपास होती है। हाँ, एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है, लल्लू खैरवार नाम है उसका, थाने पर भेजा गया है FIR के लिए।